नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। और बात करते हैं क्लास नाइन्थ में। अब से पहले तक की वीडियो में 2.1 तक की बात अपन ने कर ली थी, आज 2.2 की बात करते हैं, कुछ विशेष बात करते हैं। 2.2 में पहले जो आपके क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आप परिमेय और अपरिमेय बताएं। परिमेय और देखिए, परिमेय और अपरिमेय के बारे में मैं आशा करता हूं कि आपको आने लग गया होगा कि क्या है, क्योंकि मैंने ये बातें डिटेल से की आपसे कि क्या होता है अपरिमेय संख्या, क्या होती है अपरिमेय संख्या। तो उसी के आधार पर अपन देखते हैं। छोटा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं 2 - √5 क्या यह परिमेय है या अपरिमेय। देखिए, अपरिमेय संख्या के लिए याद रखना, रूट के अंदर अगर एक अभाज्य संख्या आ गई तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। अब देखिए, रूट के अंदर 5 है तो रूट 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य संख्या है तो भाई ये तो क्या हो गई, अपरिमेय संख्या होगी। और यहाँ पे एक बात, कुछ नियम है, मैं यही आपको क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ लो आप, कुछ भी जोड़ लो, कुछ भी घटा लो, वो अपरिमेय की अपरिमेय ही रहेगी। अतः यह संख्या क्या हो गई, ही बताना है आपको, परिमेय है या अपरिमेय। तो ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है, दूसरा है 3 + √23 - √23। अब यहां देखिए, इसको मैं ये ब्रैकेट हटा दूंगा तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 3 + √23, तो बेटा एक बात देखो, आप बोलेंगे सर ये तो देखो रूट में तेईस मतलब एक क्या आ गई, रूट में अभाज्य संख्या आ गई, ये तो क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। लेकिन भाई एक बात बताओ, घटाव जोड़ नहीं आता है क्या, आता होगा, देखो फिर कटेगा ना, दोनों सेम है, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, क्या बच गया यहाँ पे 3। अब 3 क्या होती है, एक परिमेय संख्या, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार 2 √11 / √7 √11। अब रूट के अंदर 11 ये एक अभाज्य संख्या है, ये सबको पता है, तो ये अपरिमेय होनी चाहिए, लेकिन नहीं, कट भी तो सकता है ना आपस में। अब 2 / 7 क्या बच गया, यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया। इस तरह के ये 5 थे, 3 मैंने करवा दिए, 2 आप खुद करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण रैशनल रैशनल बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए परिमेयकरण का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। जैसे ये देखो 1/5 + √7 परिमेयकरण का मतलब ये हो गया कि नीचे कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, वो होता है परिमेयकरण। ठीक है, क्या हो गया, सुबह समझ में आ गई होगी। परिमेयकरण का मतलब हो गया कि नीचे हर में, हर के अंदर कोई भी ये रूट की संख्या वगैरह परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए, इसको बोलते हैं, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और परिमेयकरण में करते क्या है, देखिए एक नया वर्ड है, संयुग्मी, संयुग्मी कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। संयुग्मी का अर्थ यहाँ पे ये हो जाता है, देखिए जैसे मान लो कोई संख्या है a + b, इसका संयुग्मी क्या होगा, a - b, मतलब तो क्या आ जाता है -b, बाकी वही। अब परिमेयकरण करेंगे, कर रहे हैं इसका, ठीक है, तो क्या करना है, संयुग्मी का गुणा करना है, संयुग्मी का अंश व हर में गुणा करने पर। बेटे देखिए, ध्यान से देखिए आप इस बात को, अब ये आपके पास है, मैं क्या करता हूं, ये सेम संख्या लिखनी है आपको, 5 √7 अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस, इतनी सी बात याद रखनी है। अगर बीच में प्लस है यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। अब आप बोले सर ऊपर नीचे गुना क्यों किया, तो भाई ये अपने पापा का नहीं है, अपने यहाँ पापा का राज नहीं चलता, गणित में कुछ मर्जी कर लेंगे, नहीं। देखो भाई, अगर किसी में कुछ जोड़ रहे हो ना तो वो घटाना पड़ेगा, ऐसे अपने मर्जी से करेंगे तो फिर तो सवाल करने की जरूरत नहीं है अपने को,
सीधा कर लो, इसलिए मैं अपनी मर्जी से गुणा नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे ये परिमेयकरण करवा रहा है गुणा, ताकि मैं इस संख्या को हटा दूं। तो अब मैंने नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर की गुणा मेरे को करना पड़ेगा। ये एक उस एक कांटे की भांति है, आपने देखा होगा, तराजू को देखा होगा, इधर कुछ वजन डाल रहे हो तो इधर भी वजन डालना पड़ेगा, दोनों को बराबर रखना पड़ेगा आपको। अगर किसी एक पे वजन डाल दिया तो अन्याय हो जाएगा ना, झुक जाएगा वो, ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए ऊपर से क्या करेंगे, गुणा कर दिया। देखिए आप ध्यान से, अब आपको आठवीं क्लास में आपने पढ़ा था क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए मतलब दोनों में फर्क कितना है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। ये अब देखो यहाँ पे ऊपर तो आ गए ही, एक का गुणा करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा पांच। यहाँ देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, प्लस माइनस बी तो फर्क है ना, ए का स्क्वायर ए क्या है यहाँ पे पांच, पांच का स्क्वायर पेज में क्या लगेगा माइनस बी क्या है ये पूरा तीन रूट सात का क्या हो गया सॉल्व करते हैं इसको। पांच का स्क्वायर कितना होता है पच्चीस, माइनस तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ, रूट सात का स्क्वायर कितना होता है सात। अब गुणा क्यों लगाया मैंने, यहाँ कोई निशान नहीं है, वहां क्या होता है गुणा होता है, ध्यान रखेंगे। ये बड़ा है पांच माइनस में तीन रूट सात पच्चीस, माइनस सात में कितने होते हैं तिरसठ। अब तिरसठ में से पच्चीस का कितना बचेगा अड़तीस बचेगा, थर्टी एट बचेगा। यही आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है। इस प्रकार से करते नोट कर लीजिए इसको, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, दो क्वेश्चन और इसमें मैं आपको कराता हूँ। वन अपॉन में रूट का सेवन माइनस में टू, इसका भी क्या करना है परिमेयकरण करना है। सेम बातें हैं, कोई इलाज नहीं है, संयुग्मी संयुग्मी का ऊपर नीचे अंश हर में गुणा करना है आपको। अब यहाँ ऊपर से गुणा करेंगे अपन, तो इसमें क्या होगा सिर्फ साइन चेंज होगा, चिन्ह चेंज करना है आपको, कोई फर्क कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं गुणा कर रहा हूँ रूट सात प्लस दो का, अब ये तो है नहीं अपने पापा का राज, नीचे गुणा करेंगे ऊपर नहीं करेंगे, करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैथ में कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं होता, अगर किसी को कुछ जोड़ रहे हो तो घटाना भी आपको पड़ेगा, इसलिए ये आप ध्यान रखें। अब ऊपर तो सेम यही वैल्यू रहेगी, ले लीजिए। अब a माइनस बी ए प्लस बी आपने एट क्लास में पढ़ा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए अब ये a है और ये क्या है b है, ये a है ये क्या है b है, आप करेंगे क्या रूट सेवन का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आएगी देखिए आप, रूट सेवन का स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या आएगा सात आएगा, दो का स्क्वायर कितना होता है चार होता है, इसका आंसर क्या आएगा नोट कर लीजिए, ठीक है कि ये ठीक है ना। व्हाट्सएप आया क्या, थोड़ा बात इसको छोड़ दें, छोड़ दें छोड़ दें ऊपर बन जाओ कट कर। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीन प्लस में दो रूट दो दिया हुआ है, अपॉन में दिया हुआ है तेज माइनस में रूट दो, ए प्लस में बी रूट दो। जो वीडियो देख रहा है वो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपको आपके फर्स्ट टेस्ट में भी आएगा, पूरा चांसेस इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टेस्ट में दूंगा मैं दूंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ही आराम से करना है इसको। देखिए इसमें अब ए और बी के मान निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, ये काम पहले क्या करेंगे इसका, अभी क्या करके आए हैं परिमेयकरण, रैशनल डाइजेशन परिमेयकरण। देखिए परिमेयकरण में सिर्फ ध्यान रखें नीचे जो वैल्यू है उसी को बारे में देखते हैं, ऊपर क्या है मेरे को मतलब नहीं है। देखिए अब यहाँ ए माइनस बी है, मैं यहां लिखूंगा इसका संयुग्मी, संयुग्मी से ऊपर नीचे सेम वैल्यू का क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे। अब ये माइनस यहाँ क्या लग गया प्लस, देखो
नीचे करेंगे क्या, ए माइनस बी प्लस बी क्या होता है, ए का स्केयर तीन का स्केयर माइनस में रूट दो का स्केयर हो गया, सही है ना ये, ठीक है। ऊपर अब इन दोनों है गुणा करते हैं, गुणा करते देखो, तीन का तीन से किया, तीन तीन नौ, तीन का करेंगे दो से तीन रूट दो, दो का करेंगे तीन से तीन दुना छः, रूट दो पड़ा है, रूट दो का रूट दो से करेंगे दो, दो दुना चार, इस प्रकार से गुणा। ध्यान से दोबारा उसको दोबारा देखते हैं, पहले करेंगे तीन का, तीन ती है नौ, तीन रूट दो, तीन रूट दो, दो ती है छः, छः रूट दो, रूट दो का रूट दो से करेंगे दो, दो यहाँ बार बड़ा में दो दुना चार, बटा में बटा देखो फॉलो करते हैं इसको। नौ और चार कितने होते हैं, तेरह होते हैं, प्लस छः और तीन कितने होते हैं, नौ होते हैं। अब आप ये बोलेंगे सर ये कैसे कर दिया आपने, देखो बेटे नौ और चार एक सिंपल संख्या है, मैंने जोड़ दी, तीन रूट दो छः रूट दो, अब दोनों दोनों रूट दो है ना, इसलिए ये जुड़ेगी, छः और तीन कितने हो जाएंगे, नौ हो जाएंगे, जैसे दो एक्स प्लस में तीन एक्स कितने हो जाएंगे, पाँच एक्स हो जाएंगे, उसी प्रकार यहाँ पे छः रूट दो और तीन रूट दो कितने हो जाएंगे, नौ रूट दो हो जाएंगे, बटा में तीन किसके कितना है, नौ है, ये लीजिए भाई माइनस है लिख दिया मैंने वहां पे, रूट दो का स्केयर कितना होता है, चार होता है। अब बेटे देखो तेरह बटा में नौ रूट दो बटा में हो गया पांच। अब आपको निकालना क्या था यहाँ पे ए और बी का मान, देखो बेटे बराबर में दिया हुआ क्या है, अब बेटे मैं इसको अलग कर लू, पांच तेरह बटा में पांच प्लस नौ रूट दो बटा में, अब आप क्या करेंगे तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करने पर, तुलना क्या करेंगे देखो, जो अकेला बैठा है वो क्या है, वो ए है, तो ए का मान कितना आ गया, और जो रूट दो के साथ में है वो क्या है, पूरा बी है, बी का मान क्या आ गया, नौ बटा में पांच, ये आपके ए और बी के क्या है मान है। इस प्रकार आपके 2.2 भी आज पूरी होती है, नेक्स्ट वीडियो में 2.3 की बात करेंगे और फिर आपका सेकंड चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।